Good morning students, once again I welcome you all in AVM online classes. Well, today we are going to do the last poem number 6, that is Aunt Jennifer's Tigers. And as far as the poet is concerned, Adrienne Rich, who was born in 1929, she is the poet, and she was born in Baltimore, Maryland, USA. और एक चीज़ देखिए, पोइट वर्ड वैसे अगर आप जेंडर वाइज बात करते हैं तो वी यूज इट फॉर मेल, बट नावर डेज इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज पोइट फॉर बोथ फीमेल एज वेल एज मेल. तो पीछे भी जहाँ जो है पोइट्स का जिक्र हुआ है और जहाँ फीमेल हैं, आई हैव यूज दिस वर्ड. और इसका यही रीज़न है कि आजकल जो है हम एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं पोइट, वो चाहे फिर फीमेल पोइट की बात की जाए, मेल पोइट की बात की जाए. तो यहाँ जो है ये हमारी पोइटेस, कह लीजिए आप कवित्री जो हैं, पोइट एड्रिन रिच यूएसए से हैं, अमेरिकन पोइट हैं, एंड शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेन्स मूवमेंट एज ए पोइट एंड थियोरिस्ट. और एड्रिन रिच को जिस बात के लिए जाना जाता है वो है कि अपने समकालीन समय में, यानी कि उसका अपना जो समय रहा है, ये जो टाइम पीरियड रहा है इसके जीवन काल का, उस समय के दौरान जो महिलाओं के मूवमेंट्स रहे हैं, महिलाओं के जो आंदोलन रहे हैं, उसमें उसने जो है अपना बढ़ चढ़ करके रोल प्ले किया है एज ए पोइट और एज ए थियोरिस्ट भी, दोनों ही रूप में. शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 19 वॉल्यूम पोइट्री की उनकी पब्लिश हो चुकी हैं, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स, इसके अलावा और दूसरी कुछ चीज़ें हैं. ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क, और उसके जितने भी ये जो काम हैं, जो राइटिंग हैं, इनमें सभी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक ज़बरदस्त विरोध जो है वो नज़र आता है. किस चीज़ के अगेंस्ट? रेसिज्म के अगेंस्ट. और रेस जो है, देखिए हम अपने इंडिया में बात करते हैं तो यहाँ कास्टिज्म की बात की जाती है, लेकिन जब विदेशों में वहाँ बात करते हैं तो वहाँ रेसिज्म की बात की जाती है, जो रंग भेद को लेकर के है. मिलिट्रिज्म, मिलिट्रिज्म जहाँ एक वर्ग दूसरे के ऊपर डोमिनेंट करता है, पूरी तरह से तानाशाही दिखाता है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गूंज जो है उसके कामों में सुनाई पड़ती है. एंड द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंसंट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस. और यहाँ ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये भी किस चीज़ को एड्रेस करती है, यहाँ किस चीज़ को जो है दर्शाया गया है, क्या कुछ बताने की कोशिश की है पोइट ने, वो है कि जो एक महिला की मैरिड लाइफ का जो जीवन है उसमें कितनी पाबंदियाँ हैं और किस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, किस तरह के उसके अनुभव हैं, उन चीज़ों को इस एक शॉर्ट पोएम के थ्रू जो है पोइट बताना चाहती है, वो चीज़ें समझाना चाहती है. और यहाँ इस पोएम में भी वो क्रिटिसाइज करती है, और दूसरे भी जैसे उसके राइटिंग जो वर्क हैं, ये आपको बताया गया है पर्टिकुलरली, कि वो क्रिटिसाइज करती है उस मेल वर्ल्ड को. और मेल वर्ल्ड को किस बात के लिए? कि वो क्रूअल है वुमेन के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो निर्दयता है, जो उनका रवैया है, जो व्यवहार है, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करती हैं. और कुछ ऐसा ही यहाँ भी डिपिक्ट किया गया है, इस पोएम में भी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि एक जो मैरिड वुमेन है वो किस तरह से डरी सहमी और जो है परेशान है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में. अभी देखिए पोइट्री में कई बार क्या है कि जो वर्ड दिए होते हैं उनका जो एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग होता है, दैट इज़ नॉट द ओनली आइडिया दैट द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, अ हिडन मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इज देयर. तो सेम इज देयर इन दिस वेरी शॉर्ट पोएम ऑफ ओनली 12 लाइन्स पोएम. ठीक है, ये केवल मात्र एक 12 लाइन की आपकी पोएम है इसको लेकर के. तो आई स्टार्ट इट. आंट जेनिफर्स टाइगर्स स्पेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कि जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं, वो जंप करते हुए दिखाई दे रही हैं अक्रॉस अ स्क्रीन,
स्क्रीन का मतलब कोई भी पैनल, कोई स्क्रीन जिसके ऊपर उनको बनाया गया है कढ़ाई करके, बुनाई करके, जिस तरह से भी जो है, वैसे यहाँ आगे जो है बात आएगी कि वो ऊन के साथ जो है उनकी कढ़ाई कर रही है, नेटिंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं जिन्हें वो बना रही है वो जंप करते हुए नज़र आते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ये देखिए आपको पिक्चर भी दिखाई गई है कि किस तरह से उसका पोज लिया गया है, किस तरह से उस टाइगर को शो किया गया है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। ब्राइट टोपाज, देखिए कई लोग वो जो स्टोन वगैरह पहनते हैं, रिंग्स वगैरह में पहनते हैं और हैं, ठीक है, जो कीमती पत्थर पहने जाते हैं, रतन जिन्हें कहा जाता है, तो एक होता है उसमें आपका टोपाज येलो कलर का स्टोन, और ब्राइट चमकीला येलो कलर, और ऐसा ही स्किन का कलर होता है टाइगर का। तो जो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स हैं, डेनिजन्स सिटीजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, कि वो चमकीले पीले रंग वाले प्राणी जो निवासी हैं जंगल के, टाइगर्स के लिए ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लिक चियरलिक सर्टेनिटी। और जो पेड़ वगैरह भी बना रखा है और है, उसके नीचे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, आदमी खड़े हुए हैं, तो पोइट कहती है ये टाइगर जो है ना, ये उन मैन से भी नहीं डरते, आदमी से भी नहीं डरते, क्योंकि मोस्टली जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मैन जो है वो दूसरे को दबा करके रखता है, डरा करके रखता है। कहते लेकिन ये जो टाइगर हैं ये उससे भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे हैं। दे पेस इन स्लिक चियरलिक सर्टेनिटी, दे टाइगर्स के लिए पेस करना, चहलकदमी करना, घूमना फिरना स्लिक, बड़ी स्मूथली, बड़ी आराम के साथ, प्राउड के साथ, शान के साथ, कि कोई टेंशन ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी ब्रेवरी के साथ, बड़ी निश्चितता के साथ जो है वो चहलकदमी करती हैं, टहलता है। और टाइगर नॉन फॉर इट्स पावर स्ट्रेंथ, एक पावरफुल एनिमल है, और फिर जंगल जैसी जगह पर रहते हुए भी उसकी अपनी धाक है, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ उसकी खूबियों का वर्णन किया गया है कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर वो फॉरेस्ट के डेनिजन्स हैं। ब्राइट टोपाज उनकी स्किन कलर है, इस तरह से वो चमक रही हैं, और उन्हें आदमियों से भी डर नहीं लगता है जो पेड़ के नीचे हैं। अपनी निश्चितता से, अपने प्राउड के साथ, गर्व के साथ जो है चहलकदमी करते हुए अपनी शान और शौकत के साथ, एज पर देयर ऑन नेचर। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। कि आंट जेनिफर जो है उसकी जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, वो फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं थ्रू हर वूल, कि उन्होंने जो अपनी ऊन ली हुई है जिससे वो कढ़ाई बुनाई का जो भी काम कर रही हैं उसके अंदर उनकी उंगलियां भी जो हैं वो कांप रही हैं। ये इंडिकेट करता है उनके अंदर बसे हुए उस डर को, उस वीकनेस को, कि वो कितनी भयभीत हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल जो हाथी दांत वगैरह से बनी हुई नीडल होती है, कढ़ाई वगैरह के लिए जो यूज़ की जाती है, कि उस नीडल को पुल करना भी, खींचना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि ऐसा है नहीं, ये इतनी भारी नहीं होती आइवरी नीडल कि उसको पुल ना किया जा सके, लेकिन उसकी मानसिक दशा को दर्शाया गया है कि वो वास्तव में उस समय कितनी डरी हुई या किस प्रकार की मानसिक स्थिति में है कि उसके हाथ भी कांप रहे हैं और उससे वो आइवरी नीडल भी ढंग से जो है पुल नहीं की जा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। कि जो अंकल का वेडिंग बैंड है, अंकल का वेडिंग बैंड, कि जो महिलाएं अपने हाथ में जो वेडिंग बैंड वगैरह, सुहाग की निशानी कह लीजिए, मैरिड लाइफ की जो सिंबल है और चीज़ें हैं, वो उसने जो अपने हाथ में डाला हुआ है, कि उसका मैसिव वेट, हैवी वेट, वो आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर रखा हुआ है, बैठा हुआ। ऐसा नहीं है कि वो जो वेडिंग बैंड है वो वास्तव में इतना भारी है कि उसकी वजह से उसके हाथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सिम्बॉलिक यूज़ है, बल्कि वो वेडिंग बैंड जो है वो उसके ऊपर ऐसी बंदिशें लगाता है, इस तरह के लाइफ के उसके एक्सपीरियंसेस हैं कि उसके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, उसके जीवन में घबराहट है, परेशानियां हैं, वो अपने आप को बेहद कमज़ोर फील करती है। तो ये जो वेडिंग बैंड का जो वेट है वो उसके हाथों के ऊपर भारी जान पड़ता है, यानी कि वो जो मैरिड लाइफ का जो बंधन है
उसकी जो मैरिड लाइफ की जो कुछ नियम शर्तें हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दे आर मेकिंग इट सो। तब उसका जीवन जो है वो इतना जान पड़ता है मुश्किलों भरा, इतना दुविधा भरा। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. कहते हैं जब aunt जो है वो मर जाएगी, she will be no more in this world, तो उसके जो डरे हुए terrified hands हैं, they will lie still ringed with ordeals she was mastered by. तो उसके ये जो डरे हुए हाथ हैं, कांपते हुए हाथ जो हैं, ये तब भी ऐसे ही रहेंगे। यानी कि उसकी डेड बॉडी को देख करके, उसके हाथों को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि इस महिला ने अपने जीवन में कितनी प्रताड़ना सही होगी, कितनी हार्डशिप्स को जो है इसने गो थ्रू किया होगा, कितनी हार्ड रही होगी इसकी लाइफ। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स, रिंग जो यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है, देखिए रिंग के वी हैव टू मीनिंग्स। इस वर्ड की अगर हम बात करें तो दो मतलब बनते हैं। एक तो वो रिंग जो एज ए नाउन यूज़ की जाती है और फिंगर वगैरह में एज एन ऑर्नामेंट ज्वेलरी या एज ए वेडिंग सिंबल वगैरह जो पहनी जाती है। दूसरा रिंग्ड मीन्स सराउंडेड बाय, किसी चीज़ को घेर लेना उसके चारों तरफ से, यानी कि वो अब भी अपनी उन ऑर्डिल से, उन हार्डशिप से, उन डिफ़िकल्टीज से पूरी तरह से घिरी हुई है अपने जीवन काल में। वो मरने के बाद भी वो उसकी परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, तब भी उसका जो है वो उसको देख करके समझा जा सकेगा कि वो अब भी परेशान है, मुश्किलों से घिरी हुई है। यानी कि वो सारी चीज़ें शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन सारी चीज़ों ने, जिन परिस्थितियों ने उसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखा है, पूरी तरह से उसको अपने नियंत्रण में रखा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और ये दो लाइनें यहाँ ये एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हैं कि वास्तव में उसका जीवन जो है कितना परेशानीदायक रहा होगा, कि जो उसका मरने के बाद भी उसकी परेशानियों का जो है उसके ऊपर प्रभाव देखा जा सकेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन वो टाइगर्स जो उसने उस पैनल के ऊपर बनाए हैं, वो टाइगर्स ऐसे ही प्रांस करते रहेंगे, ऐसे ही जंपिंग वाली स्टेज में रहेंगे। और जंपिंग जो स्टेज है, दैट शोज द एंथुजियाज्म, एनर्जेटिक स्टेट, प्राउड, अनअफ्रेड, जो किसी से ना डरे, निडर, गर्व के साथ। इट शोज द रियल कैरेक्टर ऑफ ए टाइगर, यानी कि टाइगर परिस्थितियां कैसी हों सरेंडर नहीं करता। लेकिन आंट जेनिफर वो एक महिला है, उसकी अपनी जो लाइफ है, उसने जो पीड़ाएं सही हैं, जो परेशानियां सही हैं, उन चीज़ों को यहां डिस्क्राइब किया गया है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर आप बात करते हैं इस पोएम में, एलिट्रेशन वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइस एंड इन मोस्ट ऑफ द पोएम्स इट इज़ फाउंड। तो यहाँ भी जो है फ्लटरिंग, सॉरी फिंगर्स फ्लटरिंग, ठीक है, यहाँ आपको ये मिलता है। चिरलिक सेटेनिटी फर्स्ट एंजा की आपकी जो फोर्थ लाइन में है, चिरलिक सेटेनिटी यहाँ ये ऊपर जो है ये दिखाया गया है। आयरनी विडंबना, देखिए द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल का वो वेडिंग बैंड इतना वास्तव में भारी नहीं है, लेकिन उसे यहाँ एज अ सिंबल यूज किया गया है, आयरनिकल वे में यूज किया गया है कि उसका मीनिंग कुछ और बन रहा है। यानी कि उसके साथ में जो जुड़ी हुई बंधन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उसे ऐसा बनाती हैं। एक पोइटिक डिवाइस और है, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, टेरिफाइड फिंगर्स, terrified hands. ठीक है, ये लास्ट एंजा की आपकी फर्स्ट लाइन में जो है, हर terrified hands कि जो terrified है मतलब उस चीज़ को डायरेक्टली जो है ये कि उसके हाथ जो है वो भयभीत, हाथ क्या भयभीत, भयभीत तो जो है वो कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट में रही होगी, अपने दिल से जो है वो डरी हुई रही होगी, लेकिन हाथ उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, दैट इज़ ट्रांसफर एपिथेट। तो ये कर लेंगे आप, इस पोएम को आप पूरी तरह से समझें, ठीक है, कि किस तरह से जो है आंट जेनिफर जो है वो एक विक्टिम है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसने उसको कितना परेशान किया है, कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया है।
और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी उसे आज़ाद नहीं करवा सकती इस डर से, इस परिस्थिति से। और उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस आप पढ़ें, करें अपने आप। और कहीं किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेंगे, आप बताएं, ठीक है, कॉल करें। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे, सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ।